ये बजाज डिस्क और 100cc बाइक आई हमारे पास, इसमें एक प्रॉब्लम है कि गाड़ी को जब किक से स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और स्लप से गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। अभी हम आपको दिखाएंगे। ये देखो गाइस, किक से स्टार्ट हो रही है और अब ये स्लप से नहीं हो रही है स्टार्ट। अब ये क्या प्रॉब्लम है हम आपको बताते हैं। इसमें CDI नहीं डालेंगे। CDI भी हमने अब इसमें नहीं डाल दिए, तब भी ये प्रॉब्लम वो है कि वही है, स्टार्ट नहीं हो रही है और किक से स्टार्ट हो जाएगी, हो गई है। अब हम आपको बताते हैं इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे है। ये प्रॉब्लम है इस मैग्नेट के अंदर। अब ये मैग्नेट, इसको हम आपको खोल के दिखाएंगे क्या प्रॉब्लम है। टाइमिंग की प्रॉब्लम है इसके अंदर। अब ये प्रॉब्लम है इसकी टाइमिंग की। ये देखो, ये जो मैग्नेट है इसकी जो यहाँ जो टाइमिंग होता है ना, ये पॉइंट पिकअप कॉइल के साथ बिल्कुल ये पॉइंट और पिकअप कॉइल का जो पॉइंट है बिल्कुल हवा भर भी इसमें गैप होना चाहिए। इसमें गैप ज़्यादा है, अभी इसका गैप हम अपन कम करेंगे। ये पेचकस लगा के इतना गैप होना चाहिए कि पिकअप कॉइल का जो पॉइंट है ये टच भी नहीं होना चाहिए इसके साथ। और एक अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है गाइस। गाइज, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब अपन देखते हैं कि गाड़ी स्टार्ट हो रही है या नहीं, स्लप से स्टार्ट हो रही है या नहीं। ये देखो गाइज, हो गई है। अभी अपन पुरानी CDI वापस इसमें लगाते हैं, तब देखते हैं स्टार्ट हो रही है नहीं। ये अपनी पुरानी CDI भी सही है।
अब गाड़ी स्लब से भी स्टार्ट हो रही है और ये किक से भी हो रही है। अब दोनों ऑप्शन इस पर काम करने लग गए हैं। ठीक है गाइस, समझ में आ गया। अगर अपनी हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।